दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। उनकी ओर से यह कहा गया कि दिल्ली के किसानों को केजरीवाल की सरकार सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे रही है। यह भी कहा गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भाजपा के नेता इसको रोकना चाहते हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से आतिशी ने जो झूठ बोला है अपनी ओर से और दिल्ली के किसानों की ओर से उनका त्यागपत्र मांगता हूं और मीडिया के समक्ष मैं ये जानकारी दे रहा हूं। ये मेरे पास बिल है 1,21,190 रुपए का और किसान का नाम है विजेंद्र सिंह सनौप श्री राजकुमार और ये हरेवड़ी गांव के निवासी हैं। इन्होंने केवल केवल अपने खेत में जो बिजली का इस्तेमाल किया है सिंचाई के लिए केवल केवल 3,000 यूनिट, इसमें लिखी हुई 3,000 यूनिट और किसान को बिल दिया गया है 1,21,190 रुपए का। इसका मतलब दिल्ली में किसानों को 40 रुपए पर यूनिट बिजली अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दी जा रही है। दूसरा बिल है जहां बिजली का इस्तेमाल भी हुआ नहीं, यह है 1,29,080 रुपया का बिल। किसान का नाम है श्री विजेंद्र सिंह से राजकुमार अभी देखिए दूसरा बिल मेरे हाथ में है। किसान ने एक यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं करी, एक भी यूनिट, क्योंकि जब बारिश होती है तो किसान को ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ता है और बिल आया है 32,790 रुपए का। बिजली एक यूनिट इस्तेमाल नहीं हुई, यह केवल केवल किसान से फिक्स चार्ज दिया जा रहा है। किसान का नाम है श्री प्रभु, विलेज है दरियापुर और यह बिल मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला बिल है 16,280 रुपए का, एक भी यूनिट किसान ने इस्तेमाल नहीं की है। यह बिल है सतपति के नाम से, वाइफ ऑफ उमराव सिंह। यह अगला बिल है उमराव सिंह का, सन ऑफ इस्सर और यह गांव है बाजीतपुर। यह बिल है 16,280 रुपए का और एक भी यूनिट किसान ने इस्तेमाल नहीं किया है। 16,280 रुपया सर, इसमें मंथ भी बताते जाएं। सब करंट है, इसी में करंट है, नहीं है, सब इसी महीने मार्च के हैं। एक बिल है श्री राम में सनो प्रभु, ये गांव है दरियापुर, ये बिल आया है 10,480 रुपए का और एक भी यूनिट बिजली किसान ने इस्तेमाल नहीं की है।
ये बिल मेरे पास है 7,860 रुपए का। किसान का नाम है उमराव सिंह, सनौख हरी सिंह, विलेज है बाजीपुर, और एक भी यूनिट किसान ने बिजली इस्तेमाल नहीं करी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को मैं बताना चाहता हूं, ये बिल तो मैंने जानकारी दे दी है। तो कुछ बिल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं। मैं आतिशी को चुनौती देता हूं कि जिन गांवों में खेती बाड़ी हो रही है उन गांवों में मीडिया को लेकर साथ चले कि कहीं एक भी किसान को मुफ्त बिजली दी जा रही है। क्या कहा गया? अनलिमिटेड बिजली दे रहे हैं किसानों को, मुफ्त दे रहे हैं। इतना बड़ा झूठ बोला गया है। कल मुख्यमंत्री के निवास पर प्रदर्शन होगा और उनकी ऊर्जा मंत्री ने जो झूठ बोला है उनका त्याग पत्र मांगा जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से वायदा किया था कि किसान की जमीन यदि एक्वायर की जाएगी तो उसको कम से कम 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 दिसंबर 2022 को निजामुद्दीन के पास एक गांव है रजापुर नंगली, उस गांव की जमीन 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक्वायर की है, खरीदी है। इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ी नाइंसाफी धरती पर किसानों के साथ और दूसरी कोई हो नहीं सकती है। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था हम गांव का लाल दौरा बढ़ाएंगे, किसी गांव का लाल दौरा नहीं बढ़ाया गया। किसान यदि अपने खेत में फसल उगाने के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहता है, खेत में ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि ट्यूबवेल लग गया है तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली हिंदुस्तान का अकेला राज्य है, यदि किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल का दर्जा दिया गया है। यदि किसान ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको 28,000 रुपया साल का रोड टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अन्य राज्यों में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो किसानों की जमीन एक्वायर होती थी तो उसके बदले में ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता था। लगभग 52,000 किसानों ने ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आवेदन किया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको भी रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बेटे और बेटी के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है, म्यूटेशन पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह वायदा भी किया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे धारा 81 और 33 को समाप्त करेंगे, जिस धारा के तहत यदि किसान खेती बाड़ी की जमीन के ऊपर अपने रहने के लिए मकान बनाता है तो उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली एक अकेला राज्य है जहां किसानों को खाद और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। दिल्ली अकेला राज्य है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से देश भर में किसानों के लिए जो अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, किसी एक भी योजना को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मैं दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर गैस टीचर्स का मामला उठाया। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में 22,000 गैस टीचर्स के साथ ये वायदा किया था, हमारी सरकार आएगी, हम गैस टीचर्स को नियमित करेंगे, उनके वेतन बढ़ाएंगे। ये मुद्दा मैंने अभी
विधानसभा के अंदर उठाया था 29 तारीख को। शिक्षा मंत्री आतिशी ने जवाब दिया कि यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पेंडिंग है। लेकिन जो मुझे 22 मार्च को विधानसभा में आतिशी ने जवाब दिया, तो जवाब में कह रही है कि यह मामला 2018 से हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दिसंबर 2021 में उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की कि हमने गैस टीचर्स का वेतन बढ़ा दिया है, आज तक बढ़ाए नहीं गए। जब मैंने मुद्दा विधानसभा में उठाया तो आतिशी ने कहा कि मामला एलजी के पास पेंडिंग है। लेकिन 22 मार्च को मुझे विधानसभा में जवाब दिया लिखित कि यह मामला उनकी सरकार के विचाराधीन है। मेरे पास डायरेक्टर मैजिस्ट्रेशन का वो लेटर है जो ये कहता है कि दिल्ली में गैस टीचर्स को रेगुलराइज करने वाली जो फाइल है वह गुम हो गई है, फाइल भी गुम करा दी है। दिल्ली में बेचारे जो वोकेशनल टीचर्स हैं, उनको तो न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा, केवल केवल 16,000 रुपए मिलता है। आतिशी ने एक बात और कही कि देश में किसी राज्य में गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया। उन्हीं का पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हरियाणा राज्य ने अपने गेस्ट टीचर्स को नियमित कर दिया है। डीटीसी के कर्मचारियों से इन्होंने वायदा किया कि हम आपको नियमित करेंगे, हर महीने समय पर आपको पेंशन देंगे। डीटीसी के लगभग 15,000 कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, पेंशन दी नहीं जा रही है। तो डीटीसी के कर्मचारियों के साथ भी जो इन्होंने लिखित वायदा किया उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। और जब अपोजिशन विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर या मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना लगाकर इन लोगों की मांगों को उठाता है तो सरकार ना तो मिलने के लिए तैयार होती है। विधानसभा में यदि हम ये मुद्दे उठाते हैं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जवाब नहीं देती है,